फिल्म है जो महिलाओं से प्रेरित है, और मेरी उम्मीद है कि जो मैं ये फिल्म बना रहा हूँ महिलाओं के कॉन्सेप्ट पर, जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, या फिर हमारे जो बहन हैं या जो हमारी बेटी लगती हैं, भतीजी लगती है, जो भी एवरीबॉडी, तो जो उनको समाज में जीने का एक राइट है वो नहीं मिल पा रहा है, अभी भी मिल नहीं पा रहा है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ इस दुलारी फिल्म से कि वो राइट दिलाने की मैं कोशिश करूँ कि हर बाप और हर माँ ये बोले कि एक बेटी ऐसी मेरे पास होनी चाहिए दुलारी जैसी। क्या रिसर्च की थी आपने इस टॉपिक को लेकर, और मतलब कैसे दिमाग में आया कि ऐसी कोई फिल्म बनानी चाहिए? सर, इसके पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी अत्याचार, जो थी फिल्म में, उस फिल्म में हमने इस कॉन्सेप्ट को कोशिश किया था डालने का, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरा सफल नहीं रहा, और ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं दुलारी फिल्म को बनाऊँ, ये मेरा ड्रीम कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च भी किया, लड़कियों को लेकर के रिसर्च किया, बहुत सारे कॉलेज में जाकर के मैंने रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी लड़कियाँ जो फ्रीडम नहीं है, और मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो समाज को ऐसा लगे कि नहीं, लड़कियों को हमको फ्रीडम देना चाहिए खुद को, तो ये मेरी सोच है, और मैं इसको पब्लिक के व्यू से बहुत ही अच्छा इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और हर लड़की, हर माँ, हर बहन, हर फैमिली के लोग इसको फिल्म को देखने जाएंगे, इसमें गारंटी। आप अपने बारे में कुछ बताइए और इस फिल्म से कैसे जुड़े आप? और मुझे आगे बढ़ाने वाले टाइगर सर और तो यही बोलेंगे। ये एक्सेप्ट से पहले भी बहुत प्रैक्टिस इन्होंने की, हमारे गाने में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया, और हमारे अंकल ईश्वर दिन जी ने भी हम लोग की मदद की, जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे साथ एक लोग और हैं, दिनेश सिंह, तो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरा मानना ये है कि दोनों लोग मिल करके अगर हमारे साथ अच्छे काम करेंगे तो हम दुलारी फिल्म को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना करके साबित करेंगे। तो कब तक रिलीज़ होने वाली है, कितने थिएटरों में रिलीज़ होने वाली है? ये देखिए सर, मैं आपको भी रिलीजिंग के बाद नहीं बता सकता, लेकिन ये बताऊंगा कि 2018 के लास्ट तक हम इसकी शूटिंग की प्लानिंग रख रहे हैं, कि हम इसके 2018 लास्ट तक हम इसको शूटिंग शुरू कर देंगे। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का और कैसा कोलैबोरेशन? देखिए, इनके साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत ईजी मुझे महसूस हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे गुड फील हुआ, और मेरी उम्मीद है कि हम जो भी आगे काम कर रहे हैं, हम मिल के कर रहे हैं, और ये हमारे साथ डायरेक्शन में भी हाथ बटा रहे हैं और हमारी राइटिंग में भी हमारी हेल्प कर रही हैं, तो इसकी वजह से हम दोनों लोग मिलकर के जो वर्क कर रहे हैं और वर्क करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेटर होगा पब्लिक की वजह से और आप लोगों की वजह से। टाइगर जी, इस फिल्म में आप एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं, एक साथ तीन तीन जिम्मेदारियां कैसे? जी सर, जैसे हमने इसके पहले फिल्म बनाई थी प्यार से बोलो देवाजी, मैं राइटर और डायरेक्टर, और उसमें मैंने एक्टिंग किया था, मेरी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। दूसरी फिल्म लेकर के मैंने आया था अत्याचार, जिसमें मैं खुद एक लीड विलेन हूँ, जिसमें मेरे खिलाफ़ उमेश सिंह जी हैं, जिसको मैंने 16 दिन में फिल्म को कंप्लीट कर दिया था एज ए डायरेक्टर। उसके बाद मैं फिर ये फिल्म बना रहा हूँ दुलारी। इसके पहले हमारी एक फिल्म और रिलीज़ हो चुकी है जिसका नाम है दम, उस फिल्म को भी मैंने बनाया हुआ है और वो आपका वेब कंपनी ने रिलीज़ कर दिया। ओके, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे उन्होंने कहा कि आप बहुत सारी मेहनत करी उनके साथ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइगर जी के साथ? जी हाँ, इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, मुझे भी बहुत इजी लगा इनके साथ करके, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हुई। तो आपका किस तरह का किरदार होने वाला है? हाँ, जो मेरा किरदार है वो एक लड़की पर डिपेंड है, जो मतलब ये लड़की पे डिपेंड है, जो मतलब लड़की हमेशा कभी कुछ भी कॉलेज में जाती है या कहीं भी जाती है तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को मतलब मैं जो कर रही हूँ वो एकदम इजी तरीके से, मीन्स उस फिल्म का ये लीड कर रही है पूरी तरह से, जो इनका कैरेक्टर है वो लीड किया है। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा उसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर होगा, बहुत हल्का सा मैं कैरेक्टर को करूँगा एज ए मेरी फिल्म, बाकी मैं बाकी आर्टिस्ट का मैं चयन करूँगा, अभी हमारे पास वक्त है उसके लिए, और वो डिसीजन लेंगे हम और प्रोड्यूसर बैठ करके कि बाकी आर्टिस्ट को किसको किसको हमको रखना है, किन किन को रखना है और कितने स्टार। आज जो हमने दो गाने सुने दोनों ही लीक से एकदम डिफरेंट थे जी, तो उसका उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ फिट होने वाला है इस गाने, मतलब इस तरह के गाने। देखिए, ये गाने तो हमने ये सोच के बनाए थे कि हम देख सकते हैं कि ये मुनका जी हमारे साथ कितनी कम्फर्टेबल है, कितनी अच्छी काम कर सकती है। अभी मुझे को ये गाने देख करके मुझे भी लग रहा है कि ये दुलारी के लिए फिट है और एज ए लीड के लिए परफेक्ट है, इसकी वजह से हम दुलारी फिल्म में जो भी लीड है वो यही करेंगे। जी, मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि आप लोग जैसे सबको प्यार दिए, जैसे सारे फिल्में आप लोगों ने देखा वैसे हमारी फिल्म देखिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर एक फिल्म को बनाने में उतनी मेहनत करता है जितनी आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए कोई भी डायरेक्टर अगर कोई फिल्म बनाता है और रिलीज़ करता है तो उसको आप लोगों को देखना चाहिए। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ दुलारी फिल्म पर उसको आप लोग देखिए
और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ और विशेष करके योगेंद्र यादव टाइगर जो मेरे असिस्टेंट हुआ करते थे, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एज ए डायरेक्टर वो मेरे सामने काम कर रहा है और मेरी रिस्पेक्ट है ये, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और दुलारी से बस मैं, मेरे शिष्य ने फिल्म कर रही है इसलिए मैं आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे आया हूँ और एक आशीर्वाद ही दूँगा। टाइगर मेरा छोटा भाई जैसा है तो इससे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और हमेशा मुझसे कुछ भी रहता है शेयर करता है, बताता है। और इसने बहुत सारी मूवी की है, प्यार से बोलो देवा, अत्याचार, और अभी इसने दुलारी कर रहा है। तो मेरा हमेशा मतलब गुड विशेस रहता है इनके साथ, टाइगर जी के साथ। और मैं चाहता हूँ कि वो एक नामचीन डायरेक्टर बने, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी खुद को मतलब इस्टाब्लिश कर चुका है फिल्म लाइन में, अच्छा डायरेक्टर है, और आगे चल के और नाम करे और अच्छा काम करे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और आप लोग का धन्यवाद। फिल्म के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का टॉपिक जो है के ऊपर भी क्या? देखिए, आज के टाइम पे जो लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल को आप चालू कीजिए, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो, रीजनल हो, हिंदी हो, सब जगह कहीं ना कहीं हर रोज़ एक रेप के बारे में बातें होती हैं। एक छोटी से छोटी बच्ची से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग महिला का भी हो रहा है भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक टॉपिक ली है कि एक गांव का, एक रूरल भारत का, एक गांव के भारत का एक टॉपिक लेके उसके ऊपर इन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के बारे में जो ये टॉपिक लेके काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाकी के जो स्टोरी है और आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और आई एम श्योर कि आप लोग लाइक करेंगे मूवी को। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मतलब मुझे टाइगर के टैलेंट पे पूरा भरोसा है। उसने चाहे प्यार से बोलो देवा किया, तब भी उसने ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से दिखाया, अत्याचार में मतलब ग्रामीण परिवेश का क्या क्राइम होता है उसको बहुत अच्छे से दिखाया। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छे से उसको दिखाएगा और एक अच्छी सिनेमा बनाएगा, ये मेरे पास पूरा विश्वास है। और इससे आगे क्या कहूँ, बस मैं टाइगर को धन्यवाद। सबसे पहले हम अरुण सिंह भोजपुरिया का आप सबके प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी, और बहुत खुशी हो रहा बाज हमारा यह दुलारी फिल्म के मुहूर्त में हमारा आके टाइगर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हमें, और यह फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी बड़े। हम आशीर्वाद देव और दुआ करब पूरी टीम के, टेक्नीशियन के, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, कि हर हर महादेव होके, जय होके। टाइगर जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, टाइगर जी कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मुझे इसमें दुलारी पिक्चर में वही दिख रहा है कि थोड़ा अलग हट के है, और आप सबकी दुआ बना रहना चाहिए। आप दोनों से कहना चाहूँगा, जिस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनाई जा रही है, टीजिंग पर हो रहा है करंटली, तो उस बारे में कितनी अवेयरनेस मिलेगी इस फिल्म को देखने के बाद, और कितना भरोसा है आपको? हम तो चाहते हैं कि हर दिन एक नया शुरुआत हो, हर दिन एक नई चीज़ की बनावट हो हमारे मार्केट में, क्योंकि हम जब फिल्म बनाने चलते हैं तो एक ही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि हमारी फिल्म हट के होगी। कोशिश हमारी ये है कि हम बदलाव लाएं, लेकिन फिर हमारा पब्लिक का प्यार और दर्शकों का जो रुझान आज के डेट में जो हमारा हो रहा है, थोड़ा सा मन दुखी होता है कि इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है भोजपुरी में हमारी, और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं लेकिन पब्लिक थिएटर तक नहीं आ रही है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कष्टदायक होता है। और कोशिश ये है कि जितनी भी फिल्में बन रही हैं या दुलारी जो अभी बनने जा रही है, पब्लिक को अच्छा दिया जा रहा है, पब्लिक को अच्छा परोसा जा रहा है, अपेक्षा किया जाएगा कि पब्लिक अच्छा प्यार दे और दुलार दे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी पब्लिक से ही अच्छा करूँगा कि दुलारी पिक्चर अच्छा अलग हट के बन रही है, आप सब देखें जब रिलीज हो। अभी 24 को हमारी एक फिल्म आ रही है संघर्ष, जो कि रिलीज़ हो रही है, खेसारी भाई उसमें हीरो हैं, काजल जी हैं, पराग पाटिल जी उसमें डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और पारंपरिक और संस्कारी फिल्म बनी है। मैं चाहूँगा दर्शकों से कि आप लोग जैसे मेहंदी को आपने खेसारी भाई का दिया था, उस तरह से इस फिल्म को भी आप लोग प्यार दीजिए, उसी तरह दुलारी की सारी टीम को आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए। हर हर महादेव। मेरी पूरा शुभकामना है टाइगर भाई के साथ, गाने भी मुझे अच्छे लगे, और दुआ है कि भाई बाढ़ लखा पड़ जाए, जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ये फिल्म हर हर महादेव करे। हाय, मैं
सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अपने ऑडियंस को और मीडिया लोगों को। मेरा नाम इरफान खान है और टाइगर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो फिल्म बना रहे हैं। बोलिए सर। ओके, दुलारी फिल्म जिस टॉपिक पर बनी है, यूपीसी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी अवेयरनेस पहले के लोगों के बीच है, इस तरह की फिल्म अगर लोगों के बीच में आती है? सर, ऐसी फिल्में अगर लोगों के बीच में आती है तो लोगों को मतलब ये शिक्षा मिलेगा कि बहु बेटियां जो हैं दहेज को लेकर जो प्रताड़ित किए जाती हैं, दहेज के लिए मारा जाता है, हत्या की जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो ये देखने के बाद शायद उस घटनाएं से कुछ घटनाएं कुछ कम हो। अब मैं नवीन दिलकश खान, सारे ऑडियंस और मीडिया को मेरा नमस्कार, और टाइगर जी जी को और श्याम जी को नमस्कार। इस फिल्म के बारे में ये बताना चाहता हूँ, दुलारी एक ऐसी फिल्म है, अभी आप लोग ने गाना देखा होगा, गाने से आपको कुछ लुक सामने आए हैं, और बाकी की फिल्म के बारे में तो टाइगर जी बताए और हमारे मित्र इरफान जी, श्याम डायरेक्टर जी बताए होंगे। ये फिल्म दहेज के ऊपर फिल्म बन रही है और आजकल का माहौल जो चला हुआ है वो सिर्फ दहेज के दौरान बहुत सारी बवाल पैदा होता है, इस वजह से उस लिए ये फिल्म के द्वारा हम ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं और आगे कुछ शुभकामनाएँ देना चाहेंगे आप? मैं फिल्म को शुभकामनाएँ ये देना चाहता हूँ कि सुपर डुपर हिट हो और अच्छे लेवल से जाए, और हम लोग सब मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। टाइगर जी हमारे बड़े भैया है, उनसे मैं जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, और बहुत सारी मूवी भी की है उसने, और इस मूवी में हम लोग भी मिल करके काम कर रहे हैं और आगे तक जरूर काम करेंगे। टाइगर जी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही दिन रात फूले फुलाएँ और आगे बढ़ें। अभी तक जो दो फिल्में बनाए हैं वो अच्छी चली हैं, अत्याचार वो प्यार से बोले देवा, अत्याचार काफ़ी अच्छी रही, और बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर हैं और नए लोगों को बहुत काम देते हैं, जो भटकते रहते हैं छोटे छोटे कलाकार को भी अच्छे काम देते हैं, और हमको, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एज ए विलन चयन किया इस फिल्म में। उनका ये अच्छा लगता है कि उन फ्रेशर लोगों को काम देते हैं और जो स्ट्रगलर है उनको काम देते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्टर है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है जिसमें लोग ऑडिशन देने के लिए जाते कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता, लेकिन टाइगर यादव जी एक यंग डायरेक्टर है तो वो चीज़ समझते हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पे एक्टर आते हैं जो ऑडिशन दे रहे हैं, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन ये फ्रेशर लोगों को काम दे रहे हैं, नए लोगों को काम देते हैं, तो इसलिए इनसे जुड़ने में ना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक शुभकामना और देना चाहूँगा, जो इसमें मेन लीड हीरोइन है और टाइगर जी अभी बताए, मैंने सुना कि मतलब फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये गाने देखने के बाद लगा नहीं कि वो न्यू हीरोइन है, ऐसा लगा बहुत अच्छा उम्दा कलाकार है और मज़े हुए कलाकार जैसा मुझे फील हुआ गाने देखने के बाद। जो हमारे बगल में खड़ी हैं बहुत अच्छी और नहायत ही खूबसूरत एक्ट्रेस अदाकारा हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं भगवान से दुआ करूँगा और ऑडियंस से अपील करूँगा कि ये फिल्म को अगर मार्केट में आती है तो देखें और इसको सुपर डुपर हिट बनाए। बोलेंगे हम केवल एक ही बात बोलेंगे, हिमालय हमको करना है काम, नाम अपने आप होगा, इसके लिए कोई तारीफ नहीं करना। जब काम अच्छा होगा तो तारीफ के लिए कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगी। सर आपका? मेरी तो शुभकामनाएं हैं, हम लोग इसमें निर्माण क्षेत्र में इसके जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से तेलुगु तमिल और बांग्ला फिल्मों का बोलबाला रहा है, अब भोजपुरी फिल्मों का भी बोलबाला होगा, धीरे धीरे अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, और जैसे अपने टाइगर जी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को भी जोड़ रहे हैं इस अपने साथ, और जिस तरीके से दोनों दुलारी पिक्चर के जो दो गाने लॉन्च हुए हैं, इनकी जिस तरीके से पिक्चराइजेशन हुआ है, जिस तरीके से फिल्म, जिस तरीके से कोरियोग्राफी है, और जो गाने के बोल हैं बहुत ही अच्छे हैं, और ये जो फिल्म दुलारी है जो ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, जो माँ बाप की दुलारी बेटियाँ होती हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ आजकल का अभियान चल रहा है, उसको देखते हुए हमारी सारी शुभकामनाएँ हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। अभी पहुँचे ही नहीं, मतलब देखा नहीं, फिर भी दुलारी एक अच्छी अच्छी फिल्म सॉन्ग होना चाहिए, बनाने वालों का जो बनाए हैं वीर लड़की हो।
होगा और क्या नाम है उनका टाइगर जी का, बहुत सही होना है, मतलब चलनी चाहिए मार्केट के अंदर। और हमारा यही धन्यवाद है कि उनको, मतलब ठीक है आज उन्होंने बनाया, पर क्या रहता है पूरी दुनिया देखती है, खुद की वजूद अपना अपने पैरों से खड़े होना एक अच्छी चीज़ होती है। और रही बात इसमें कि अगर वो अपने कल फैमिली के साथ बनाएंगे तो कल रहे या ना रहे दुनिया देखे, फैमिली पिक्चर है यही, फैमिली पिक्चर है, फैमिली पिक्चर। मेरा यही शुभकामना है कि सुपर डुपर पिक्चर हो जाए। मैं कहना चाहूँगी जैसे दुलारी नाम है और जो दुलारी का कैरेक्टर है और जिसने निभाया है, अभी मैं दो ही सॉन्ग देखी बट बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत सुपर डुपर हिट हो, जिस नारी शक्ति के ऊपर ये दर्शाया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि इस वर्ल्ड का हर एक पब्लिक थिएटर के पास आए और अपनी शुभकामनाएँ।